नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गेट 2008 में ये क्वेश्चन आया था, है तो क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है, कितना बड़ा क्वेश्चन उतना छोटा उसका सॉल्यूशन, समझे? क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है पर समझना है, समझ जाओगे तो एक लाइन में कर दोगे, ठीक है। अब देखो इसमें कह रहा है कि स्टडी टू डायमेंशनल हीट कंडक्शन, ठीक है, स्टडी स्टेट है, टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, ऑन दैट पॉइंट, अगर जिस पॉइंट पे टेम्परेचर जो फिक्स है वो फिक्स ही रहेगा ना, चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो टू डायमेंशनल हीट कंडक्शन है, मतलब टू डायमेंशनली हीट कंडक्ट हो रही है, एक्स डायरेक्शन में भी हो रही है मान लें हम, वाई डायरेक्शन में भी हो रही है, इन द बॉडी शोन इन द फिगर, फिगर में दे रखा है देखो, एक दो टू डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई, द नॉर्मल टेम्परेचर ग्रेडियंट ओवर सरफेस पी, सरफेस पी है तो नॉर्मल टेम्परेचर ग्रेडियंट, नॉर्मल टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब नॉर्मल इस सरफेस के, नॉर्मल नॉर्मल टेम्परेचर ग्रेडियंट दे रखा है इस सरफेस के, नॉर्मल ओवर सरफेस पी एंड क्यू कैन बी कंसिडर्ड टू बी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इस सरफेस पे नॉर्मल टेम्परेचर ग्रेडियंट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, यानी कि इस यहाँ पर लगा यहाँ पर लगा सर, पूरे सरफेस पे एक ही है नॉर्मल टेम्परेचर ग्रेडियंट एट पी और क्यू, द टेम्परेचर ग्रेडियंट डेल टी ओवर डेल एक्स एट सरफेस क्यू, एट सरफेस क्यू, ये सरफेस क्यू है तो इसमें जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है डेल टी ओवर डेल एक्स, तो डेल टी ओवर डेल एक्स मतलब नॉर्मल, नॉर्मल टू दैट सरफेस, क्योंकि जो एक्स एक्सेज है वो इस डायरेक्शन में है, तो डेल टी ओवर डेल एक्स परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, नॉर्मल टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑन दैट सरफेस, ठीक है, अलॉन्ग द एक्स एक्सेज एट इज इक्वल टू 10 केल्विन पर मीटर, ठीक है, तो डेल टी ओवर डेल एक्स हमको दे रखा है एट सरफेस क्यू 10 केल्विन पर मीटर दे रखा है, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है ये नॉर्मल टेम्परेचर ग्रेडियंट है क्योंकि अलोंग द एक्स एक्सिस है, ठीक है। सर्फेसेज पी एंड क्यू आर मेंटेन्ड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, कह दिया उसने कि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर मेंटेन्ड है, सर्फेस पी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, सर्फेस क्यू 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है एज शोन इन द फिगर, वाइल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द, और जो रिमेनिंग पार्ट है इन दोनों के अलावा, सर्फेस पी और सर्फेस क्यू के अलावा जो ये और दूसरे पार्ट हैं, ठीक है, ये इंसुलेटेड है, तो मतलब कि हीट ट्रांसफर ना यहाँ से जा रही है बाहर ना यहाँ से कुछ आ रहा है, इंसुलेशन है इसमें, ठीक है। द बॉडी हैज ए कॉन्स्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी हमको दे रखी है, इस बॉडी की कॉन्स्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी उसने कह दिया, थर्मल कंडक्टिविटी कॉन्स्टेंट है तो के यहाँ पर दे रखा है 0.1 वाट पर मीटर केल्विन। द वैल्यूज ऑफ डेल टी ओवर डेल वाई एंड डेल टी ओवर डेल एक्स एट सरफेस पी, सरफेस पी पर इस सरफेस पर हमको नॉर्मल टेम्परेचर ग्रेडियंट इन वाई डायरेक्शन एंड नॉर्मल टेम्परेचर ग्रेडियंट इन एक्स डायरेक्शन हमको निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं सरफेस पी की बात करूं, एट सरफेस पी डेल टी ओवर डेल एक्स क्या होगा, डेल टी ओवर डेल एक्स क्या होगा, देखो हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर सरफेस, आपने जब पढ़ा होगा जो फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन क्या है, फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन क्या है, क्यू इज इक्वल्स टू माइनस के ए डेल टी ओवर डेल एक्स, ठीक है। क्यू जो होता है वो हीट ट्रांसफर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही ट्रांसफर होता है, ना कि कुछ और डायरेक्शन में सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ही जो हीट का जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, ठीक है। अगर वहाँ से पास हो रही है या
वहाँ से कोई भी हीट ट्रांसफ़र पास हो रहा है उस सरफेस से, तो उसकी परपेंडिकुलर ही ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। तो जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो समझ लो हीट ट्रांसफ़र जो होगी 100 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ होगी, ठीक है। 100 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ हीट ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होगा फ्रॉम हायर सरफेस, हायर एनर्जी सरफेस टू लोअर एनर्जी सरफेस, ठीक है। तो 100 से 0 की तरफ ट्रांसफ़र होगी हीट, पर जो हीट ट्रांसफ़र होगी वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी एक्स एट सरफेस पी। तो पर इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है वो वाई डायरेक्शन में है, तो और एक्स डायरेक्शन में हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, केवल वाई डायरेक्शन में हीट ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। तो इसमें जो क्यू होगा इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, इन एक्स डायरेक्शन जीरो होगा, तो डेल टी ओवर डेल एक्स जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो डेल टी ओवर डेल एक्स एट सरफेस पी जीरो हो गया, ठीक है। और अब हमसे पूछा डेल टी ओवर डेल वाई, तो इस डायरेक्शन में हीट ट्रांसफ़र होगी, तो क्यू आ जाएगा, एट सरफेस पी माइनस के थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल एरिया डेल टी ओवर डेल वाई, ठीक है, एट सरफेस पी, सरफेस पी, ठीक है, डेल टी ओवर डेल वाई एट सरफेस पी, ये आ गया। और इस सरफेस के लिए मैंने कहा परपेंडिकुलर हीट ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, और जगह से इंसुलेशन है तो हीट केवल यहीं से पास होगी, तो जो भी हीट यहाँ से जाएगी वो केवल इसी जगह से पास होगी, क्योंकि और जगह तो इंसुलेशन है, तो यहाँ से जो हीट पास होगी वो परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, तो मतलब कि एक्स डायरेक्शन में पास होगी, मतलब डेल टी ओवर डेल एक्स, इसके लिए डेल टी ओवर डेल वाई जीरो, तो इसके लिए क्या आएगा, डेल टी ओवर डेल एक्स, टेम्परेचर ग्रेडियंट इन द एक्स डायरेक्शन एट सरफेस क्यू। तो सरफेस क्यू की मैं अगर बात करूँ तो हीट डायरेक्शन माइनस थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दैट पार्ट, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी इसका, एरिया इसका, और डेल टी ओवर डेल एक्स डायरेक्शन, ठीक है, तो क्यू जो हीट ट्रांसफ़र रेट है, जो हीट ट्रांसफ़र रेट है वो जितना हीट ट्रांसफ़र यहाँ से सप्लाई हुआ उतना यहाँ गया, तो जो ये दोनों क्यू पी और क्यू 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 है ना, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, तो ये इक्वल हो गए, तो ये इक्वल हो गए, तो यहाँ से ये इक्वल, इसको इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, ए एरिया डेल टी ओवर डेल वाई एट पी, डेल टी ओवर डेल एक्स एट क्यू, ठीक है। तो डेल टी ओवर डेल एक्स एट क्यू हमको दे रखा है 10 दे रखा है, एरिया क्यू कितना होगा 2, एंड डेप्थ हो जाएगी कुछ मान 1 मान लिया हमने, 2 × 1 इसका एरिया, परपेंडिकुलर एरिया 2 × और इसका एरिया सरफेस पी का 1, तो उसका 1 माना है तो इसका भी 1, और डेल टी ओवर डेल वाई हमको निकालना है, तो कितना आ गया, तो डेल टी ओवर डेल वाई एट सरफेस पी आ गया 20 केल्विन पर मीटर। तो डेल टी ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू आ गया 0 और डेल टी ओवर डेल वाई इज इक्वल टू आ गया 20, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, गेट 2009 में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। कह रहा है कि एक कूलेंट फ्लूड एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड फ्लोज ओवर ए हीटेड फ्लैट प्लेट मेंटेन्ड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड।
कूलेंट फ्लूड है, कोई कूलेंट है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और एक फ्लैट प्लेट है जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ठीक है। तो फ्लैट, ठीक है, मतलब ये कोई फ्लैट प्लेट है जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, और कूलेंट फ्लूड है, जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। द बाउंड्री लेयर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एट ए गिवन लोकेशन, बाउंड्री लेयर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एट ए गिवन लोकेशन ऑन द प्लेट, प्लेट पर किसी भी लोकेशन पर एक बाउंड्री लेयर बन रही है, ठीक है। बाउंड्री लेयर आगे पढ़ोगे जब कन्वेक्शन पढ़ेंगे ना, तो उसमें बाउंड्री एक अलग से बाउंड्री लेयर का टॉपिक होगा, ठीक है, तो उसमें देखेंगे बाउंड्री लेयर क्या होती है। पर यहाँ पर क्या होती है, बाउंड्री लेयर बनती है जब जो प्लेट होती है ना, सरफेस प्लेट पे एक बाउंड्री लेयर बनती है, ठीक है। तो उसका जो इक्वेशन दे रखी है कि टी इक्वल टू 30 प्लस 70 ई की पावर माइनस वाई, ठीक है, इस टाइम में कुछ बाउंड्री लेयर बनेगा, ठीक है, जो ये जो ये वो है, ये 30 प्लस 70 e की पावर माइनस वाई, ठीक है, बाउंड्री लेयर है, इसका इक्वेशन है, ठीक है। वाई जो दे रखा है mm में है, वाई क्या है, ये डायरेक्शन वाई है, और इस, ठीक है, एंड द इज द डिस्टेंस नॉर्मल, डिस्टेंस क्या है, नॉर्मल टू द प्लेट, प्लेट के नॉर्मल जो डिस्टेंस है, और टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में यहाँ पर दे रखा है। इफ़ के थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द फ्लूड, फ्लूड की थर्मल कंडक्टिविटी, तो के जो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द फ्लूड कितना दे रखा है, 1, ठीक है। द तो पूछा, तो द हमसे क्या पूछा हुआ, द लोकल हीट कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशियंट, द लोकल कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशियंट एट दैट लोकेशन, जिस लोकेशन पर बाउंड्री हमारी बनी हुई है, ठीक है, जिस लोकेशन पर बाउंड्री की इक्वेशन दी है, उसी लोकेशन पर हमको कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशियंट निकालना है, लोकल कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशियंट, ठीक है। अब आप कहोगे लोकल मतलब कि उस एरिया में है नहीं, एक होता है एवरेज, वो टोटल एवरेज होता है, वो बाद में देखेंगे, अभी हमसे क्योंकि वो एक टॉपिक अलग हो जाता है, उसको समझाना पड़ेगा। अभी लोकल कन्वेक्टिव ट्रांसफर कोफिशियंट जो हम निकालते हैं नॉर्मल, वो लोकल हो गया, एच निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये प्लेट है, ये ना प्लेट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, समझे, इस प्लेट पे बाउंड्री बनी हुई है, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर 100 से इस प्लेट से तो होगा, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, तो प्लेट से जाएगा हीट ट्रांसफर, तो अब प्लेट है सॉलिड, तो सॉलिड में हीट ट्रांसफर कंडक्शन से, और फिर कंडक्शन से होते हुए हीट ट्रांसफर कैसे जाएगा फ्लूड में, कन्वेक्टिव मतलब कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो, जो कंडक्टिव हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो कंडक्टिव हीट ट्रांसफर इन द प्लेट इज इक्वल टू कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर इन द फ्लूड, ठीक है। तो कंडक्टिव हीट ट्रांसफर से इसमें जा रहा है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो दोनों इक्वल होंगे क्योंकि हीट ट्रांसफर आपको पता है, और कोई तो इसमें बाहर से हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो हीट ट्रांसफर आपको सेम ही होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हीट ट्रांसफर जितना हीट ट्रांसफर प्लेट से होगा उतना हीट ट्रांसफर फ्लूड से होगा, तो इक्वेशन हम दोनों इक्वल करेंगे,
इक्वल्स टू कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो कंडक्टिव हीट ट्रांसफर क्या होगा? कंडक्टिव हीट ट्रांसफर इक्वल टू कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कहाँ पर? एट द सरफेस ऑफ द प्लेट, क्योंकि सरफेस ऑफ द प्लेट, प्लेट की सरफेस पे कंडक्टिव हीट ट्रांसफर और कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ से जो प्लेट से कंडक्शन होगा वो कन्वेक्टिव के बराबर होगा सरफेस पे, प्लेट सरफेस पे कह रहा हूँ मैं। एट वाई इक्वल टू जीरो, मतलब वाई इक्वल टू जीरो पे कंडक्शन, क्यू कंडक्शन इक्वल टू क्यू कन्वेक्शन। ठीक है, एट वाई इक्वल टू जीरो तो मैं माइनस के एरिया, एरिया दोनों में एरिया एरिया है, कट जाएगा। थर्मल कंडक्टिविटी और डी टी ओवर डी वाई एट वाई इक्वल्स टू जीरो इज इक्वल्स टू एच, ठीक है, सरफेस का टेम्परेचर और फ्लूड का टेम्परेचर। ठीक है, तो एट वाई इक्वल टू जीरो की बात कर रहा हूँ, क्यू कंडक्शन क्यू कन्वेक्शन के बराबर होगा, तो एट वाई इक्वल टू जीरो के फ्लूड, ये के का, ये के जो होगा फ्लूड का होगा। ठीक है, क्योंकि एट वाई इक्वल टू जीरो फ्लूड भी होगा, क्योंकि जो प्लेट है वो फ्लूड से कांटेक्ट में होगी, तो जो फ्लूड कंडक्शन करेगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन कराया ना मैंने, जो फ्लूड कंडक्शन करेगा उसके ऊपर वाला फ्लूड कन्वेक्शन करेगा। ठीक है, तो एट वाई इक्वल टू जीरो, अब देखो यहाँ पर दे रखा है ना, तो यहाँ पर अब हमको क्या दे रखा है, बाउंड्री लेयर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एट ए गिवन लोकेशन ऑन द प्लेट मे बी अप्रोक्सीमेट, तो यहाँ से टी है। ठीक है, तो के फ्लूड, फ्लूड का के एफ कितना है, वन। ठीक है, ये तो वन आ गया। अब डी टी ओवर डी वाई हम वाई इक्वल टू जीरो करेंगे, तो डी ओवर डी वाई निकालना है हमको, 30 प्लस 70 ई की पावर माइनस वाई का एट वाई इक्वल टू जीरो, एच की वैल्यू हमको निकालनी है, सरफेस का टेम्परेचर 100 है और माइनस फ्लूड का टेम्परेचर 30 है। ठीक है, सरफेस का टेम्परेचर 100 है और माइनस फ्लूड का टेम्परेचर 30 है। तो माइनस डी ओवर डी वाई, 30 करेंगे जीरो, 70 ई की पावर माइनस वाई का ई की पावर माइनस वाई और माइनस वाई का माइनस वन, वाई इक्वल टू जीरो, तो ये कितना हो गया 70h माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 70 वाई इक्वल टू जीरो रहेंगे, ई की पावर जीरो वन, तो यहाँ से h कितना आया, वन वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ठीक है, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कितना आ गया, वन। क्या होता है कि देखो बाउंड्री लेयर है ना, वो सरफेस से अटैच होगी, तो इतनी बड़ी दिखा रखी है बाउंड्री लेयर जो है वो सर बाउंड्री ले ये ना पूरी बाउंड्री लेयर है, इतनी बड़ी वो दिखने में इतनी बड़ी है पर होती बहुत छोटी है बाउंड्री लेयर। अभी आपको दिखाया, जब क्वेश्चन करोगे ना बाउंड्री लेयर तो पता चलेगा, बाउंड्री लेयर इतना मतलब बिल्कुल सरफेस के, बिल्कुल सरफेस से अटैच होती है। ठीक है, बिल्कुल सरफेस से अटैच होती है, और तो वहाँ पर जो सरफेस से अटैच है बाउंड्री लेयर, ठीक है, उसका टेम्परेचर ग्रेडियंट हमको निकाल, तो वाई, तो वहाँ से कंडक्शन होता है सरफेस से और फिर उसके ऊपर कन्वेक्शन होता है, क्योंकि फ्लूड जो सरफेस से अटैच है वहाँ से कंडक्शन भी होगा फिर कन्वेक्शन भी होगा। समझे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गेट 2013 में आया था, 2013। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर वन डायमेंशनल स्टडी, वन डायमेंशनल है एक्स डायरेक्शन, केवल एक ही डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर हो रहा है और स्टडी स्टेट है, टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, टेम्परेचर टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है। ठीक है, विदाउट हीट जनरेशन, कोई हीट जनरेशन भी नहीं है, इन ए प्लेन वॉल, ये कोई प्लेन वॉल है, तो यहाँ से टेम्प, यहाँ से हीट, यहाँ से आया हीट और यहाँ मुझे जाएगी, बाउंड्री कंडीशंस हमको दे रखी हैं, टेम्प
द कंडक्टिविटी ऑफ द वॉल जो जो वेरी कर रही है, कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ वेरी कर रही है, ठीक है, वेयर के नॉट एंड बी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, पॉजिटिव है के नॉट और बी की वैल्यू, और टी जो है वो टेम्परेचर है, ठीक है। तो हमसे पूछा एज एक्स इंक्रीजेज, ये एक्स इंक्रीज हो रहा है, अगर इस डायरेक्शन में अगर हम चलेंगे, एज एक्स इंक्रीजेज, अगर इस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हम आगे बढ़ेंगे तो टेम्परेचर ग्रेडियंट डी टी ओवर डी एक्स विल क्या होगा, मतलब क्या होगा, मतलब कि घटेगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन्स कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है, जीरो होगा, ठीक है, ये पूछा हुआ है। एट डी टी ओवर डी एक्स क्या होगा जब हम एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, ठीक है, क्या होता है फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, हीट ट्रांसफर रेट इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी ओवर डी एक्स, हीट ट्रांसफर रेट जो होता है वो माइनस की है डी टी ओवर डी एक्स होता है, ठीक है। अब के क्या है, ठीक है, अब के की वैल्यू हमको दे रखी के नॉट प्लस बी टी, ठीक है, के नॉट प्लस बी टी हमको दे रखा है। अब देखो यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन क्या है कि जो टेम्परेचर इस बॉल का टेम्परेचर टी टू है ना वो टी वन से ज़्यादा है, मतलब टेम्परेचर एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, मतलब कि ऐसे इंक्रीज हो रहा होगा जब टेम्परेचर एक्स डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर टी टू इंटू ग्रेटर, तो इंक्रीज हो रहा है, देखो एक्स डायरेक्शन में तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ये पॉजिटिव है बी, के नॉट भी पॉजिटिव है, और टेम्परेचर तो पॉजिटिव रहेगा हमेशा, ठीक है, निगेटिव होगा नहीं, तो इंक्रीज हो रहा है, तो के की थर्मल कंडक्टिविटी, के की वैल्यू भी एक्स डायरेक्शन में जाएगी तो इंक्रीज रहेगी ना, तो थर्मल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो थर्मल कंडक्टिविटी एक्स डायरेक्शन में इंक्रीज होगी, ठीक है। और क्यू वाई ए ये तो कांस्टेंट है ही, ठीक है, क्यू वाई ए तो कांस्टेंट है, ठीक है, हीट ट्रांसफर परपेंडिकुलर टू एरिया कांस्टेंट आ रहा है, हीट फ्लक्स कांस्टेंट है, ठीक है, तो हीट फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो माइनस के डी टी ओवर डी एक्स ये कांस्टेंट है, तो डी टी ओवर डी एक्स इंटू के इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो डी टी ओवर डी एक्स क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन वाई के, ठीक है, वन वाई के होगा, नहीं होगा, तो थर्मल कंडक्टिविटी अगर इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर ग्रेडियंट डिक्रीज होगा, पर इस क्वेश्चन में थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है टी वन से टी टू, और बी भी कॉन्स्टेंट, के भी के कांस्टेंट, और दोनों पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो इंक्रीज होगा, तो थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होगा, डी टी ओवर डी एक्स डिक्रीज होगा, ठीक है।